आपके तीन सवाल। पहला, राजनीति में जाति समीकरण को कैसे तोड़े। दूसरा, बिना पैसों के राजनीति कैसे की जाए। और तीसरा, कि हम कौन से मुद्दे उठाएं जिससे राजनीति में हम एक अलग पहचान मिल सके और जनता के बीच हम लोकप्रिय हो सके। और आपके इन तीनों सवालों का जवाब मैं केस स्टडी के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये केस स्टडी होगी अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनावों की। दोस्तों, जब भी भारत में चुनाव होते हैं तो मीडिया और तमाम राजनीतिक विश्लेषक उस चुनाव का अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, पर उनके इस विश्लेषण में क्या आपके काम का कुछ होता है? नहीं ना, क्योंकि उनके विश्लेषण ही इस प्रकार से होते हैं जो लोगों को मसालेदार लगे और उन्हें मजा आए। जैसे उस फला पार्टी में टूट हो गई, उस विधायक ने जाति पर यह बयान दे दिया, इस विधायक ने जाति पर वो बयान दे दिया। और दोस्तों, मीडिया के इस अनोखे विश्लेषण से नुकसान हमेशा उन युवाओं का होता है जो इन चुनावों के माध्यम से राजनीति सीखना चाहते हैं। इसलिए हमारे इस विश्लेषण में सिर्फ उन्हीं बातों पर चर्चा होगी, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का जिक्र होगा जिससे आपके सवालों का जवाब आपको मिल सके। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं आज की ये राजनीतिक परिचर्चा। पहला सवाल, कि जाति समीकरण को कैसे तोड़े। और इस सवाल का जवाब समझने के लिए यूपी से बेहतर कोई केस स्टडी नहीं हो सकता। यूपी में आपने देखा होगा कि मायावती का वोट प्रतिशत काफी जबरदस्त तरीके से गिर गया। आखिर क्यों हुआ ऐसा और इस परिणाम से क्या अब ये मानकर चला जा सकता है कि राजनीति से जाति समीकरण खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजनीति से जाति समीकरण कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। और यही बात आपको भी समझने की जरूरत है। दोस्तों, चुनाव के दौरान यूपी में कई सारे वोटरों से मेरी बात हुई और उस बातचीत में दो बड़ी चीजें निकल कर आई। पहला, कि उनका कहना था कि हमारी जाति के लोग दूसरी पार्टियों में भी तो हैं, जैसे सपा और भाजपा, फिर हम अपने काम के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए मायावती पर ही निर्भर क्यों रहें। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हमारी पहली प्राथमिकता राशन और सरकार से मिलने वाले अन्य लाभ हैं और जो भी व्यक्ति या पार्टी हम तक ये लाभ आसानी से पहुंचाएगा हम वोट उसे ही करेंगे। दोस्तों, जनता के इसी नब्ज को भाजपा ने भली भांति पढ़ लिया और एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसका जवाब विपक्षों के पास नहीं था। और क्या थी वो रणनीति? वो रणनीति थी राष्ट्रवाद प्लस जनता को दिया जाने वाला सीधा लाभ। और यदि आपको जाति समीकरण तोड़ना है तो भाजपा की इस रणनीति से सीखना होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमारी चर्चा हुई थी कि जनता सिर्फ दो ही कारणों से वोट करती है। क्या क्या? एक, भावनात्मक होकर, और दूसरा, यदि उन्हें सीधा लाभ मिल रहा हो। और भाजपा ने इन दोनों कारणों को एक साथ जोड़ दिया, जहां एक तरफ वो राष्ट्रवाद के जरिए जनता से भावनात्मक रूप से जुड़े रहे, वहीं दूसरी तरफ हर घर तक राशन पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने लाभार्थी प्रमुख नियुक्त किए, जिनका काम होता था कि वे हर घर तक जाएं और ये देखें कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं। भाजपा का ध्यान उस 85% पिछड़ी जाति के वोटों पर था जो मायावती को मिलता था, और अपने इस प्रयास से आखिरकार भाजपा ने उसमें से 30% वोट अपने तरफ कर लिया। वहीं सपा के खाते में भाजपा से आधे वोट, मतलब सिर्फ 15% वोट ही पहुंच पाए। अब ये आंकड़े काफ़ी दिलचस्प भी हैं और आपके काम के भी हैं कि कैसे राजनीति में जाति समीकरण को तोड़ने के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत होती है और उसे धरातल पर उतार कर आप कैसे जाति समीकरण को भली भांति नेस्तोनाबूद कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। दोस्तों, ये तो रही भाजपा की बात, पर यहाँ अहम सवाल यह है कि नए राजनेता और युवा भाजपा की रणनीति का इस्तेमाल खुद के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आप सरकार में तो है नहीं कि जनता को सीधा लाभ पहुंचा देंगे। फिर कैसे किया जाए यह सब?
दोस्तों इसके लिए आपको हमारी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें राजनीति में मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं इस विषय पर हमारी बात होगी, और समझेंगे कि बिना सांसद विधायक बने आप जनता को सीधा लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं। पर यहाँ एक बात समझ लो कि आपके द्वारा जनता को सीधा पहुंचाया जाने वाला लाभ भी तभी असरदार हो सकता है जब आपका व्यक्तित्व, आपके द्वारा बोली गई बातें और आपके द्वारा किए गए कार्य किसी एक ऐसी विचारधारा से जुड़ी हो जो जनता के बीच एक भावनात्मक अपील पैदा कर सके। उदाहरण के लिए आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भगत सिंह के आसपास लाकर खड़ा कर दिया। भगत सिंह की तरह ड्रेस पहनकर, भगत सिंह के बारे में बातें कर उन्होंने जनता के बीच ये पॉलिटिकल मैसेज दिया कि उनकी विचारधारा भगत सिंह के जैसी ही है, और उनकी इस भावनात्मक अपील ने क्या करिश्मा किया ये आप सब भली भांति जानते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण किसी एक विचारधारा के आसपास करना होगा। वो विचारधारा कुछ भी हो सकती है, वो हिंदुत्व भी हो सकता है, वो राष्ट्रवाद भी हो सकता है, वो भगत सिंह भी हो सकते हैं, और वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ, पर एक बात का ध्यान जरूर रखें कि चाहे आप जिस विचारधारा को अपनाएं उसके बारे में थोड़ा पढ़ें, उस पर मंथन करें और उसे समझें, और मजबूती के साथ उस विचारधारा पर खड़े रहें, ऐसी मजबूती जिसकी झलक आपके व्यक्तित्व से मिले। हो सकता है कि कई लोग जो इस विचारधारा के खिलाफ हों वे आपका पुरजोर विरोध भी करें, पर इतना समझ लो कि ये भारत है और यहाँ हर विचारधारा के मानने वाले लाखों लोग हैं, इसलिए फर्क इस बात से कतई नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने लोग आपके विचारधारा के साथ हैं। इसलिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं जिसमें आपके विचारधारा की झलक साफ साफ दिखाई देती हो और जनता के बीच आपके प्रति एक विश्वास उत्पन्न हो सके, और ये तभी होगा जब जनता आपका मूल्यांकन स्पष्ट रूप से कर पाएगी। एक बात याद रखना कि जनता के मूल्यांकन का आधार वही होता है जो आंखों को साफ साफ नजर आता है, जैसे आपके कपड़े, आपके शब्द, आपके हाव भाव और आपकी सोच, क्योंकि विश्वास उत्पन्न करने का हमारे पास दूसरा और कोई भी तरीका नहीं होता। इसलिए किसी एक विचारधारा के आसपास अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, और इसके लिए आप सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का भी सहारा ले सकते हो। इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो कि राजनीति के लिए पैसों की भी जरूरत होती है, ये समय के साथ साथ अपने आप होते चला जाता है, क्योंकि पंजाब चुनाव में हमने देखा कि कैसे एक धन कुबेर को मोबाइल दुकान में काम करने वाला एक गरीब आदमी चुनाव हरा देता है। वैसे राजनीति में पैसों का कितना महत्व है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में भी करेंगे, और साथ ही साथ हमारी इस विषय पर भी चर्चा होगी कि नए राजनेता अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए मुद्दे कैसे उठाएं, ताकि आप मुद्दों के पूरे राजनीतिक गणित को और पर्दे के पीछे के पूरे सच को एक नए तरीके से समझ पाएं, जिससे आपके राजनीतिक करियर को एक नई दिशा मिल पाए और आप पूरी योजना के साथ राजनीतिक अखाड़े में उतर पाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।